हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यूजीसी नेट दिसंबर 2020 की साइकिल का जो एग्ज़ाम मई 2021 में होना है, उसकी एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। एक बारी यहाँ पर एक्सटेंशन भी किया गया था, ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट थी वो बढ़ाई गई थी, तो ऐसे में वो भी कंप्लीट हो चुकी है। 9 मार्च की लास्ट डेट थी और 10 मार्च जो था वो फी सबमिशन का था। अब ऐसे में जो कैंडिडेट के फॉर्म एप्लीकेशन जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि करेक्शन विंडो कब तक ओपन हो जाएगी। ठीक है, लास्ट टाइम जो एप्लीकेशन विंडो का इन्होंने यहाँ पर बताया था कि करेक्शन विंडो जो ओपन हुई थी वो डेट दूसरी थी, लेकिन जैसा कि इन्होंने एक्सटेंशन किया 9 से 10 मार्च का, तो ऐसे में करेक्शन विंडो कब ओपन होगी और उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज कर पाएंगे कैंडिडेट, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कैंडिडेट्स के माइंड में। तो चलिए आज के इस वीडियो में यही सॉल्व करते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप NTA UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी में अभी 10:30 पर क्लास होने वाली है, फ्री क्लास है, उसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप अपना जो सब्जेक्ट है, इन केस अगर आपने गलत भर दिया है या आपने अपनी पर्सनल डिटेल गलत भर दी है, ठीक है, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, या फिर अगर आपकी फ़ोटो या सिग्नेचर को अपलोड करते समय कुछ एरर आ गई है, या फिर फ़ोटो में नेम और डेट जैसे मेंशन नहीं किया है, तो उसको भी आप चेंज करके सही कर सकते हैं। सेंटर का जो प्रीफ्रेंस है वो भी आप सही कर सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए थे, कई लोगों को नहीं पता था कि कौन सा सेंटर पहले फिल करना है, तो जिस सेंटर पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसको प्रायोरिटी पे लिखें और बाद के जो ऑप्शन है उसको बाद में लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको बता देते हैं, पब्लिक नोटिस आई थी 3 मार्च की, जिसमें कि एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट बताया गया था, एप्लीकेशन फॉर्म का 2 मार्च से लेकर 9 मार्च तक बढ़ाया गया था। रिवाइज डेट यहां पर आप देख सकते हैं, 2 मार्च से 9 मार्च यहां पर ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन सबमिशन की डेट थी, 2 फरवरी से 10 मार्च यहां पर जो नया डेट बढ़ाया गया था फी सबमिशन का, और करेक्शन विंडो का जो नया डेट है देख सकते हैं, पहले 5 मार्च से 9 मार्च था, अब क्या है 12 मार्च से 16 मार्च। तो ऐसे में जो कैंडिडेट वेट कर रहे हैं उनके लिए बता दें, आज विंडो जो करेक्शन विंडो है वो ओपन हो सकती है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 12 मार्च से 16 मार्च के बीच ही करेक्शन हो पाएगा, क्योंकि ये करेक्शन विंडो बार बार ओपन नहीं होगी, सिर्फ एक बार ही आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे। इसलिए टाइमिंग का बहुत ध्यान रखिए, डेट का बहुत ध्यान रखिए। हालांकि अभी करेक्शन विंडो अवेलेबल नहीं है, हो सकता है 12 बजे तक यहाँ पर अवेलेबल हो जाए। UGC नेट की ऑफिशियल साइट पर जाकर के आप इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरा इन्होंने लिखा है कि फ़ोटो, सिग्नेचर, या फिर आपने जो भी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट किया है, हो सकता है कैटेगरी इसमें चेंज ना हो, लेकिन बाकी सब चीज़ें इसमें आप जो भी करेक्शन करना चाहते हैं वो करेक्शन कर सकते हैं। UGC नेट की साइट पर बहुत जल्दी ये अवेलेबल हो जाएगी, मे बी 12 बजे तक अवेलेबल हो जाएगी। तो फ्रेंड, जो भी हमारे फर्स्ट व्यूवर हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।